सर, ये जो ट्रेनिंग चल रही है और आज इसका दूसरा दिन है, तो हाजियों से खासकर आप क्या कहना चाहेंगे ट्रेनिंग के बाद? हाजियों से खासकर, ये सारे दिल्ली में के लोग की ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा हुआ है। वो चार दिन ट्रेनिंग चलेगी, मान लो कल थी, आज है, कल परसों, 16, 17, 18, 19, चार दिन सारी दिल्ली को रखा हुआ है कोई बात से भी, जिससे कि आराम से सब लोग रोज़ 200-300 आदमी आते हैं आकर ट्रेनिंग जो है ले लें। दो साल से कोरोना की बीमारी फैली हुई थी, उसके कारण जो है दो साल से आदमी हज पे सब कोई भी हिंदुस्तान से नहीं जा पाया था, तो इंशाल्लाह आपके हज हो रहा है 2022, और उसी के लिए बेहतर हमने यहाँ भी प्रोग्राम ट्रेनिंग कर रखे हुए हैं, उनके एरियो में भी एरिया वाइज भी ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, जिससे कि ज़िंदगी में ज़्यादातर हज एक बार करता है हर आजी इंशाल्लाह, और कोशिश करता है कि वो उसे हज की तमन्ना रखता है करने की, तो कम से कम बेहतर जो अरकान हैं हो बेहतर तरीके से पूरे कर पाए, उसके लिए ट्रेनिंग लेना बहुत इंशाल्लाह ज़रूरी है। इसमें बहुत अच्छी बात है, उनको रोज़ बताई जा रही है। सर, ट्रेनिंग तो लेता है, लेकिन खासकर जो परेशानी होती है हाजी को उस वक्त आती है जब वो हरम में मौजूद होता है और उसके साथी उससे बिछड़ जाते हैं, तो उसके लिए क्या इंतजाम रहे? हमने जितने भी दिल्ली से हाजी जा रहे हैं उनके लिए इंशाल्लाह 7 लोग जो है खिदमत में हम हाजी लगाए हुए हैं, और मैं भी इंशाल्लाह जाऊंगा। उनका सबका हमने जो है ग्रुप बनाया हुआ है, और उसका नंबर सब लोगों को, सब हाजियों पे, सबको हमने जो इंशाल्लाह देंगे, किसी को कोई परेशानी हुई तो उसकी परेशानी वहाँ भी हल्की जाएगी। हाँ, खुदा के हुक्म से ऐसा है कि जो लोग वेटिंग में रह गए हैं उनके मैं लेकर जो है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब से मिला था, और जो है तो सऊदी एम्बेसडर जो हैं उनसे ही मेरी मुलाकात हुई है। कोई दोनों से ही मैंने ये आग्रह किया है कि जो भी हमारे हाजिर रह गए इंशाल्लाह ज़रूर जाने चाहिए। उन्होंने दोनों ने मुझे आश्वासन दिया है कि कुछ ना कुछ कोटा ज़रूर बढ़ेगा, ज़्यादातर उम्मीद है खुदा के हुक्म से ज़्यादातर लोग जाएंगे। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ काउंसलर साहब मौजूद हैं, यहाँ मेंबर भी हैं। सर, ये जो ट्रेनिंग कैंप शुरू हुआ है वाइस, आज दूसरा दिन है, इस बारे में आप जो हाजियों से खासकर क्या कह रहे हैं? मैं हाजियों को पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वो खुशनसीब हाजी जिनका आपके नंबर आया, क्योंकि आधा कोटा होने के बावजूद वो सभी लोग यहाँ पर ट्रेनिंग में मौजूद हैं। और ये ट्रेनिंग हज कमेटी की तरफ से इसलिए दी जा रही है कि हाजी को जो अरकान हैं वो उनका पता चल सके। मुफ्ती साहब वहाँ पर हमारे मौजूद हैं और वो सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं। किसी भी हाजी को किसी भी तरह की परेशानी के लिए हज कमेटी, दिल्ली हज कमेटी हमेशा तैयार है, फ्लाइट से लेकर डिपार्चर से लेकर अराइवल तक, और उधर से डिपार्चर से लेकर अराइवल दिल्ली तक, तमाम जितने भी हाजी यहां से जा रहे हैं दिल्ली से, और दिल्ली के अलावा भी हाजी जो जहां से दिल्ली से जाते हैं, जो डिपार्चर करते हैं, उनके लिए भी दिल्ली स्टेट हज कमेटी हर टाइम अपनी खिदमत के लिए तैयार है। और यहां पर जितने भी हाजी जाने वाले हैं उनके लिए हमने सऊदी अरब में भी बहुत अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं। हर गिज कोशिश है हज कमेटी की, दिल्ली स्टेट हज कमेटी की, कि हाजी को किसी भी तरह की परेशानी न हो। जी, पहली बार इतनी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग की जा रही है, और हज सबके किस्मत में नहीं होता है। बड़े बड़े राजा महाराजा मुसलमानों के गुजरे हज नहीं किया, हज किस्मत वाले जाते हैं। और दिल्ली सरकार और जिस तरीके से माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इंतजाम किया है, ये सबसे हिंदुस्तान में उम्दा इंतजाम है। और हमारे मेंबर साहिबान हैं और चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने बहुत दिल से और लगन से ये मेहनत कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह बहुत ढंग से आपके काम हो रहा है, और सारे हाजियों को फैसिलिटी मिल रही है, और जैसे हमारे मुख्तार साहब ने बताया है, चेयरमैन साहब ने, कि सबको मोबाइल नंबर दिया जाएगा, वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो प्रोवाइड करेंगे। इन्होंने 7 आदमियों की टीम बनाई है, तो इंशाल्लाह हर हाजी को जो है सहूलियत मिलेगी इंशाल्लाह वहाँ पे। और काम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पर, इन्होंने खाने का प्रोवाइड कर रखा है 4 दिन का, सब ये है हाजियों के लिए, तो इंशाल्लाह जो है सारे काम अच्छे हो रहे हैं। और हम हज ग्रुप की तरफ से हम भी लगे हुए हैं सारे यहाँ पर। जैसे आपकी तरफ से जो खिदमत होती है खासकर हाजियों की, उस बारे में इस बार क्या कर रहे हैं? इस बार हमारा प्रोग्राम है कि जैसे हाजियों को हम खाना देते थे दरगाह फैजिलाई में, वैसे ही प्रोग्राम है देने का। इंशाल्लाह जितने भी हाजी आएंगे उनको हम डिनर देते हैं हज ग्रुप की तरफ से, और इंशाल्लाह इस बात भी प्रोवाइड करेंगे। आपका बड़ा मामला है, तहम्मुल का मामला है, तो इन सभी के अनुसार जो हम आएंगे और जैसे मुफ्ती साहब बताएंगे उनके बताए हुए तरीके पर जब हम हज करेंगे, तो इंशाल्लाह लजीज बहुत आसानी होगी, और आइंदा वक्त के लिए भी हमारे लिए अच्छा होगा। जब हम वहाँ जाकर दुआ करेंगे तो हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, और इस पूरे आलम में इंसानियत के लिए बेहतरी की दुआ करेंगे, तो अच्छाइयाँ होंगी, मोहब्बत सबके लिए होगी, नफरत किसी के लिए नहीं होगी। और मैं
अपनी बात कंटिन्यू करने से पहले ये कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली स्टेट हज कमेटी और पूरा स्टाफ अमला आपकी तमाम तर सहूलियात के लिए हर वक्त कोशा रहता है, फिक्रमंद रहता है। 2015 में भी मेरा जाना हुआ था, उससे पहले भी, तो वहाँ भी मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह जो हज कमेटी के ज़रिए से जाते हैं, हर तरह से उन लोगों की रहनुमाई वहाँ पर होती है और खिदमत में लोग वहाँ हर वक्त मौजूद रहते हैं। इनके अलावा मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो हज कमेटी के ज़रिए से नहीं गए हुए थे, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो बहरहाल ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है हमारे पास दिल्ली स्टेट हज कमेटी की शक्ल में, और बतौर ख़ास कमेटी जो हमारी है और हमारे चेयरमैन साहब हैं और जितना भी हमारा ये अमला है, वाकई में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं। सभी हजरात दुआ फरमाइएगा सभी इनकी सेहत के लिए भी और पूरी अपनी कमेटी और अमले के लिए और पूरे मुल्क के लिए। अल्लाह तबारक व तआला सबको सलामत रखे, खुशहाल रखे, तमाम परेशानियों से अल्लाह पाक महफूज रखे। स्टेट हज कमेटी में जो ट्रेनिंग कैंप कर रहा खासकर हाजियों के लिए, यहाँ पर कुछ मेम्बरान हमारे साथ मौजूद हैं, फिरोज़ भाई मौजूद हैं। फिरोज़ भाई आज आए हैं, पहले भी ये मेम्बर रह चुके हैं लेकिन आज आए हैं, तो ये तब में और अब में क्या फ़र्क है ये बताएंगे फिरोज़ भाई। मैंने तो कह दिया है आउटस्टैंडिंग है, मार्वलस है, सुपर्ब है, और मैं तो इस बात से चिढ़ रहा हूँ कि हमारे टेन्योर में तो इस हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। और यही नई कमेटी है जो माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई है, मुख्तार साहब चेयरमैन हैं और जितने भी मेंबरान हैं उन लोगों ने तो बहुत बेहतरीन काम करा है। और सबसे ज़्यादा तो मतलब जो थैंक यू बोलना चाहिए वो जावेद साहब को बोलना चाहिए। जावेद साहब के आने के बाद ये चेंजेस आए हैं, अधिकारी हैं और एक्टिव अधिकारी हैं। तो मेरा मैंने जो अभी एक्सपीरियंस किया है कि मैं अपनी चिढ़ के साथ कि भाई मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने अपने टेन्योर में कुछ भी नहीं कर पाए, और नहीं 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 मैं तो ये चाहूँगा कि अल्लाह इन्हीं को और दोबारे से मेंबर बनाए और यही बेहतर काम करें। और ये चीज़ होनी चाहिए, एक पोस्ट पे आप जीवन भर ना बैठें, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो थैंक यू बोलें, कोई दूसरा आए और वो बेहतर करे, आवाम के लिए बेहतर हो, दिल्ली वासियों के लिए बेहतर होगा। और आज के डेट में हज कमेटी को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार ने तो सारी चीज़ों को चेंज कर दी। मुख्यमंत्री साहब जो ये कहते हैं कि मैं तो आया हूँ सिस्टम को बदलने के लिए, वो सिस्टम बदला है, दिख रहा है। तो मैं तो इन लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि मैं नहीं हूँ इसमें और जो काम करने वाले लोग हैं वो हैं। देखिए यहाँ फिरोज़ साहब ने बिल्कुल सही कहा कि मैं पहले था, और बल्कि वो तो इस बात से कह रहे हैं मुझे चिढ़ घृणा हो रही है कि मेरे टाइम में इतना अच्छा काम नहीं जितना अच्छा काम इस बार हुआ है। तो बार बार जो इन्होंने कहा है और ट्रेनिंग हो रही है, जो जावेद साहब चेयरमैन और ये लोग जो आए हैं ईओ साहब, इनका शुक्रिया अदा किया है कि इन्होंने इतना अच्छा ये काम किया। दिल्ली से एम रामेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।